बताऊं। एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पर वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना, और कोई कारण नहीं है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रिसर्च में कहीं भी पूरे भाषण में आप ये बोलते हुए नहीं पाए गए। बड़ा क्लियर, हम तो खुद कह रहे हैं कि आप नहीं पाए। बोलो ना भाई, मैं हिम्मत के साथ ही बोल रहा हूँ, मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वेरी स्मार्ट। बोल सकते हैं, इतनी बार बोल सकते हैं, किसी भी विषय पर बोलो तो फिर बोलो।